नमस्कार, दिल्ली मेट्रो इंसिरा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। देश में 378 दिनों के बाद खत्म हुआ किसान आंदोलन, 11 दिसंबर को होगी घर वापसी। किसानों की लंबित मांगों पर सरकार की तरफ से कृषि सचिव के हस्ताक्षर से चिट्ठी भेजी गई थी, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की। हर महीने 15 तारीख को होगी एसकेएम की बैठक। सिंघू बॉर्डर से हटने लगे टेंट, सरकार ने एसकेएम को भेजे हैं प्रस्ताव। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को भेजी गई चिट्ठी में केस की वापसी को लेकर कहा गया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, एमपी, हरियाणा और दिल्ली सरकार केस वापसी को लेकर सहमत है। सीडीएस रावत के निधन पर पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा ने जताए शोक। कभी एक साथ लड़ी थी जंग। पाकिस्तानी सेना प्रमुख बाजवा और भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत एक दूसरे को पहले से भी जानते थे। वैक्सीन से नहीं मिली पूरी सुरक्षा तो अब ये दवा बनेगी संजीवनी। अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका की एंटीबॉडी दवा को दी मंजूरी। कैंसर रोगी, अंग ट्रांसप्लांट कराने वाले, गठिया जैसी बीमारियों से परेशान लोग भी इस दवा को ले सकते हैं। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में हेलीकॉप्टर दुर्घटना की होगी ट्राई सर्विस जाँच। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जानकारी। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांडर के कमांडर हैं और खुद एक हेलीकॉप्टर पायलट हैं। IIT कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, भारत में जनवरी के दूसरे हफ्ते में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। केस बढ़ेंगे लेकिन असर होगा कम। IIT कानपुर के वैज्ञानिक प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल ने कहा कि वह नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे पर शोध कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका से मिले पूरे डेटा के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में लैपटॉप फटने से विस्फोट, कामकाज निलंबित, जांच में जुटी पुलिस। मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बैग में लैपटॉप के साथ टिफिन भी था। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,419 नए मामले दर्ज, 159 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 8,251 लोग ठीक हुए हैं। नए आंकड़े के साथ ही देश में इस वायरस से संक्रमित होकर ठीक होने वाले कुल 3,40,97,388 लोग हो चुके हैं। अगली खबर, मध्य प्रदेश से गांव में खंभे तार पहुंचने से पहले पहुंचा बिजली का बिल, सौभाग्य योजना में बनाया गया लाभार्थी। गांव के लोगों का कहना है कि बिजली कनेक्शन तो पहुंचा नहीं, हर महीने बिल जरूर भेजा जा रहा है। खुरी टोला के लोगों का कहना है कि संबंध में उन्होंने संबंधित विभाग और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के संपर्क भी किया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। लो विजिबिलिटी हो सकती है हादसे की वजह, तकनीकी समस्या की गुंजाइश कम। हादसे को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल जिस वक्त और जिस जगह यह हादसा हुआ वहां घना जंगल है, पहाड़ी इलाका होने और लो विजिबिलिटी की वजह से भी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की बात कही जा रही है। रोहिणी कोर्ट में क्रूड बम के जरिए किया गया धमाका, मौके से IED और टिफिन जैसे चीज भी मिली है। NSG को बुलाया गया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 102 में धमाका होने से हड़कंप मच गया। इस ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। युवाओं को साधने में जुटी बीजेपी युवा मोर्चा ने पहलवान बबीता फोगाट में 6 को बनाया क्षेत्रीय पदाधिकारी। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा के 6 क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किए हैं, इसमें पहलवान बबीता फोगाट भी शामिल। एसकेएम ने 378 दिन बाद खत्म किया आंदोलन। आपको बता दें 11 दिसंबर तक लौटेंगे किसान, 15 जनवरी को फिर होगी मीटिंग। सरकार की तरफ से औपचारिक चिट्ठी मिलने के बाद गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई और किसान आंदोलन को फिलहाल खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। किसान दिल्ली बॉर्डर 11 दिसंबर तक खाली कर देंगे। दिल्ली में बाहर ही नहीं घरों के अंदर की हवा भी है दूषित, स्टडी में किया गया दावा। शिकागो विश्वविद्यालय के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के नए शोध ने संकेत दिया है कि भारत की राजधानी के लोगों के बीच वायु प्रदूषण की जानकारी और इससे बचाव के लिए जागरूकता की कमी है। ब्लैक बॉक्स खोलेगा हेलीकॉप्टर हादसे का एक एक राज, पता चलेगी बिपिन रावत की आखिरी बात। सूत्रों के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त हुए MI-17V5 हेलीकॉप्टर का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर साइट से बरामद किया गया है। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा के लाल विंग कमांडर पृथ्वी चौहान की भी गई जान, शहर में शोक की लहर। तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में विंग कमांडर पृथ्वी चौहान की भी मौत हो गई है। मौत से आगरा में शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी है। CDS बिपिन रावत के लिए भावुक हुआ पूरा देश, जगह जगह दी जा रही है श्रद्धांजलि। CDS बिपिन रावत को देश भर में श्रद्धांजलि दी जा रही है। सबसे पहले उनके और 12 अन्य लोगों के पार्थिव शरीर को सेना के वेलिंगटन अस्पताल से मद्रास रेजिमेंटल लाया गया है। दिल्ली मेट्रो इंसिरा बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।